गुड इवनिंग बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो बेस्ड रहेगा हमारे पास किस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है। देखो ये दो चीजों से मिलके बना है, मैं आपको डिफाइन भी करते चलता हूँ। बच्चे बोलते हैं इसका यूज कहाँ होता है सर, जो हमारे पास ट्रिग्नो का मतलब होता है कि ट्रायंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि ऐसी चीज जो हमारा रिलेशन बताए, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। किसी भी ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में जो चीज रिलेशन बताए वो होता है हमारे पास क्या, ट्रिग्नोमेट्री। और ये छह दोस्तों की कहानी है। तो हमारे पास जो पहला दोस्त है उसका नाम है साइन, जो दूसरा दोस्त है हमारे पास उसका नाम है कोसेक, जो तीसरा है वो है हमारे पास क्या, कॉस सेक, फिर हमारे पास टैन, फिर हमारे पास क्या, कॉट। ये छह दोस्त हैं, छह दोस्तों की कहानी है, हम समझेंगे आराम से इनको। तो पहला दोस्त हमारे पास साइन, दूसरा हमारे पास क्या, कोसेक, तीसरा हमारे पास कॉस, चौथा वाला हमारे पास सेक, पांचवा दोस्त है टैन, छठा दोस्त है। इन सब के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, इन सब के बीच में रिलेशन कैसा है, इनकी पहचान कैसे होगी, कौन सा दोस्त है, इसको कैसे सीखेंगे, तो इनकी आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग सीखेंगे। इनकी पहचान कैसे हो सकती है, तो पहचान होने से पहले हम लोग समझेंगे ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल में कैसा हो सकता है और इसका यूज कैसे करेंगे। तो मैं यहीं से पहले इनकी पहचानें लिख देता हूं, इसके बाद मैं ट्रायंगल बना के आपको समझाऊंगा। इनकी पहचान ऐसी होती है, अगर मैं बात करूं किस चीज की, कि साइन थीटा होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, जिसका घनिष्ठ मित्र है इसके रिवर्स में, इसका घनिष्ठ मित्र है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा होता है हमारे पास क्या, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो यहां से एक चीज सीखने के लिए मिली हमें कि अगर मैं साइन थीटा को एक चीज और लिख सकता हूं, वन डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा, या ऐसा भी लिख सकता हूं मैं कि कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा, क्योंकि आप देखते हो यहां पर पी डिवाइडेड बाई एच लिखा हो, यहां पर एच डिवाइडेड बाई पी लिखा है, तो पी एच है क्या, तो मैं यहां थोड़ा सा लिख देता हूं, पी मीन्स परपेंडिकुलर, P means परपेंडिकुलर, B means बेस, H means hypotenuse। ये तीनों एक ट्रायंगल में यूज होंगे। तो हमारे पास साइन और कॉस का हो गया, कोसेक का हो गया सॉरी। तो अब हम देखते हैं थर्ड वाला हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और इसका जो घनिष्ठ है वो क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा होता है एच डिवाइडेड बाय बी, यानी कि हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। तो हम यहां से एक चीज और सीख सकते हैं कि हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं वन डिवाइडेड बाय सेक थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। दो दोस्त और बच गए, इनके बीच में भी रिलेशन समझ लेते हैं किसका घनिष्ठ कौन सा है। तो हम बात करेंगे टैन थीटा की, टैन थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस
इसका घनिष्ठ होता है कॉट थीटा, तो हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं बी डिवाइडेड बाई पी। तो यहां से एक चीज और सीखने के लिए मिली है कि हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टेन थीटा। ये तो हुआ कि जो इनके घनिष्ठ हैं, और समझ लेते हैं कि इनका बाकियों के बीच में रिलेशन कैसा है, क्योंकि छह दोस्तों की कहानी है तो छह का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो आपस में भी रहेगा। तो ये तो आइडेंटिटीज हुई, बाकियों की भी पहचान कर लेते हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ऐसा क्यों कर सकते हैं, इसका रीजन भी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता रीजन, तो इसका रीजन समझ लेते हैं कि ऐसा हम लिखते क्यों है, ठीक है। तो रीजन क्या कहता है, अच्छा मुझे बताओ आप कि साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। और आप कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, आप कॉस थीटा को लिख सकते हो बेटा क्या, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, ऐसा लिख सकते हो। और आपको पता है कि आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, टेन थीटा को आपने पढ़ा है कि आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा की जगह, तो साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं पी डिवाइडेड बाई एच, और कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं हम लोग बी डिवाइडेड बाई एच। तो हमें एक चीज और पता है यहां से कि अगर कोई चीज ऐसी लिखी हो ए डिवाइडेड बाई बी और इसके डिवाइडेड में लिखा हो सी डिवाइडेड बाई डी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड लगा देंगे, और डी डिवाइडेड बाई हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहां पर सी आएगा, तो डी डिवाइडेड बाई सी। तो यहां पर देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि यहां पर पी डिवाइडेड बाई बी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं पी बाई एच, एच यहां पर ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या चीज बी। तो हमने देखा कि हम एच से एच को काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा बी डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई पी डिवाइडेड बाई बी। तो हमने देखा ये दोनों क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, आपस में सेटिस्फाइड कर रहे हैं। और अगर ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं बेटा, टेन थीटा को साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। ये लिख सकते हैं, आप लोगों को याद रखना है, हम यहां पर साइन थीटा को क्या लिखा था बेटा हमने, इसको भी आपको याद रखना है कि पी डिवाइडेड बाई एच लिख सकते हैं। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसके उल्टे में एच डिवाइडेड बाई पी। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, बी डिवाइडेड बाई एच। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एच डिवाइडेड बाई बी। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस यानी कि पी डिवाइडेड बाय वी। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। आओ एक तीसरा रिलेशन समझ लेते हैं जो हमारे पास छूट रहा, जिसे छह के छह के बीच में रिलेशन हो जाए। तो हमारे पास बच रहा है हम कॉट थीटा को, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं बेटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या, साइन थीटा। अभी जस्ट लिखा था, हम रीजन भी आपको बता देते हैं। तो अगर हम रीजन देखें तो अगेन यहां मैं लिख देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं बी डिवाइडेड बाई कितना बेटा, एच। और हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, पी डिवाइडेड बाई एच। और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं बेटा क्या, बी डिवाइडेड बाई पी। देखो साइन थीटा की जगह कितना बेटा, बी डिवाइडेड बाई सॉरी कॉस थीटा की जगह कितना, बी डिवाइडेड बाई एच। और साइन थीटा की जगह कितना, पी डिवाइडेड बाई एच। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे, तो और मॉडिफाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं बी बाई एच, और यहां पर एच डिवाइडेड बाई पी, जैसा कि अभी हम आपको समझाया था हमने थोड़ी देर पहले। तो यस से एच को हमने काट दिया,
तो हम देखते हैं बेटा कि हम क्या लिख सकते हैं, बी डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई पी, यानी क्या कर रहा है बेटा, ये आपस में सेटिस्फाइड कर रहा है, और अगर ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन थी कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना, साइन थीटा। तो यहां से हमने देख लिया कि सिक्स के सिक्स फ्रेंड की आइडेंटिटी समझ ली हमने, उनकी पहचान समझ ली, उनके बीच में रिलेशन कैसा है वो भी समझ लिया। अब आओ इसको देखते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में इसको हम यूज कैसे करेंगे, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो पहले ट्रायंगल बना के मैं ट्रायंगल को समझाने की कोशिश करता हूं आपको। सबसे पहले तो मैं आपके लिए दो ट्रायंगल बना देता हूं, एक चीज मैं नोट में और समझाना चाहूंगा, यहां पर मैंने लिखा नहीं, यहां पर जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में होगा नोट, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होंगी, आइडेंटिटीज ये हमेशा किसी भी ट्रायंगल में कब यूज होंगी, जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो कभी भी कोई भी आइडेंटिटीज यूज नहीं कर पाएंगे हम। तो हमको ये फिक्स है कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। आओ इस ट्रायंगल को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहां पर हमेशा क्या 90 डिग्री है, यहां पर हमेशा कितना 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री तो इसके जो सामने देखना है, तो सामने ये हमेशा क्या होगा बेटा आपके लिए, ये होगा हाइपोटेनियस। इसके सामने हमेशा क्या होगा, ये वाली लाइन हाइपोटेनियस। बस हमें दो चीजों के यहां पर ध्यान में रखना है हमेशा। मैं क्या करता हूं, एक के लिए एंगल यहां बना के रखता हूं और एक के लिए एंगल को यहां बना देता हूं। अब हम देखेंगे कि जब एंगल यहां बनेगा तो ये किस चीज का काम करेगा, ये काम करेगा हमारे पास बेस का, और इसके जो सामने वाला होगा वो हमेशा किस चीज का काम करेगा, वो काम करेगा परपेंडिकुलर का। यहां पर देखो ये एंगल बना हुआ है तो ये किस चीज का काम करेगा, बेस का, और ये किस चीज का काम करेगा, हमेशा परपेंडिकुलर का। इसकी मार्किंग कर देते हैं हम लोग जिससे प्रॉब्लम ना जाए, तो इसको लिख देते हैं ए बी, यहां पर सी, यहां पर भी कर देते हैं ए बी एंड सी। तो आप ये समझ गए होंगे किसी भी एंगल में, किसी भी ट्रायंगल में जहां पर एंगल बनेगा, एंगल के हिसाब से हमेशा हम लोग डिसाइड करेंगे कि बेस कहाँ होगा, परपेंडिकुलर कहां पर होगा और हाइपोटेनियस कहां होगा। तो अगर आपको ये आइडेंटिटी समझ में आ गई होंगी तो आप समझ गए होंगे किसी भी ट्रायंगल में हम यूज कहां कर सकते हैं। जैसे यहीं पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर मैं यहां पर आपके लिए लिखता इस वाले ट्रायंगल पे, एक मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूंगा, अगर मैं एग्जांपल से समझता तो अगर मुझे यहां पर लिखना होता कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो मैं यहां पर लिखता कि हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो पहले वाले ट्रायंगल पे अगर मैं देखता इस ट्रायंगल एबीसी में, पहले वाले में, तो यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू बीसी हो जाएगी,
और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये पहले वाले ट्रेंगल के लिए, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, पहला वाला ट्रेंगल वन है और इसको नाम दे देते हैं दूसरा वाला ट्रेंगल दो है, तो अगर मैं दूसरे ट्रेंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करता तो दूसरे संग परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो दूसरे वाले ट्रेंगल के लिए देखते तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बेटा, ए बी है और हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। तो हमने देखा दो अलग अलग ट्रेंगल में अलग अलग हमारे पास परपेंडिकुलर हो सकते हैं क्योंकि उसके एंगल के हिसाब से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप किसी को भी ऐसे ले सकते हो, तो अगर यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू निकालना होता तो कॉस थीटा क्या होता है बेटा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो पहले वाले हमारे पास, पहले वाले फिगर में देखो तो पहले वाले फिगर में हमारे पास बेस क्या है बेटा, ए बी, और हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस, तो सेम रहेगा। दूसरे वाले फिगर में देखेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, बेस की वैल्यू हमारे पास बी सी है और हाइपोटेनियस हमारे पास ए सी है। सिंपल सी बात, अगर मैं टेन थीटा निकालने की बात करूं इसमें तो टेन थीटा हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, कभी कभी फ्लो में निकल जाता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां देखते हैं तो यहां पर परपेंडिकुलर कितना है, बी सी है और हमारे पास बेस कितना है, ए बी है। अगर मैं यहां पर देखूं दूसरे वाले फिगर के लिए तो दूसरे वाले फिगर के लिए कि हमारे पास टेन थीटा कितना होगा, दूसरे वाले फिगर के लिए हमारे पास टेन थीटा की बात करें तो यहां पर भी हमारे पास कितना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू हम देखें तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, इस वाले फिगर में, इस वाले वाले परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, दूसरे वाले फिगर में ए बी है और बेस हमारे पास क्या है, बी सी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास साइन, तो हम तीनों और आइडेंटिटीज बच रही उनको भी निकाल लेते हैं। तो अगर मैं साइन के बाद क्या लिखूं, कोसेक, तो कोसेक हमारे पास क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है एच डिवाइडेड बाई कितना, पी। तो पहले वाले फिगर में अगर मैं एच की बात करूं तो ए सी है और परपेंडिकुलर की बात करूं तो हमारे पास कितना है, बी सी है। फिर अगर मैं पहले दूसरे वाले फिगर की बात करूं तो जो कोसेक थीटा होगा तो कोसेक थीटा यहां पर भी कितना होगा, एच डिवाइडेड बाई कितना, पी। और एच यहां पर कितना है बेटा, हमारे पास एच की बात करें तो ए सी ही है, लेकिन हमारे पास पी की बात करें तो यहां पर कितना है, ए बी है। फिर देख लेते हैं हमारे पास सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा यहां पर कितना होगा बेटा, हमारे पास सेक थीटा हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई बी। एच की वैल्यू यहां पर ए सी है और बी की वैल्यू यानी कि बेस की वैल्यू कितना है बेटा, यहां पर ए बी है। दूसरे वाले फिगर की बात करें तो सेक थीटा इक्वल टू हमारे पास यहां पर भी एच डिवाइडेड बाई बी। तो यहां पर जो हाइपोटेनियस है वो ए सी ही है, लेकिन जो बेस है वो बेस कितना है बेटा, हमारे पास बी सी है। हमारे पास तीसरा लास्ट बच रहा है हमारे पास क्या, कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है हमारे पास बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो पहले वाले फिगर में अगर आप बेस की बात करें तो बेस ए बी है और परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी सी है। अब दूसरे वाले फिगर में आप देखते हो तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर भी बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो यहां पर आप अगर बेस की बात करते हो तो बेस आपके पास में बी सी है और परपेंडिकुलर आपके लिए कितना है, ए बी का काम करना। तो आपको इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को देखना है और सॉल्व करना है, जो पहली एक्सरसाइज होगी आपकी इसी बेस में रहेगी। आज हम सिर्फ थ्योरी थ्योरी समझेंगे, तो हम आपको आइडेंटिटीज निकालना सिखाएंगे, ठीक है। ये तो हुआ हमारे लिए इनकी पहचान करना, ठीक है, छह दोस्तों में कैसे पहचान करना है, कैसा इनका रिलेशन कैसा है, कॉर्डियल है, कैसा रिलेशन है आपने देख लिया कैसा रिलेशन है। अब आगे देखेंगे आइडेंटिटीज हम, ठीक है, उनके भी आप में क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। आइडेंटिटीज से पहले भी हम समझ लेते हैं कुछ चीजें, हम एक और रिलेशन देख लेते हैं सबके बीच में। तो अगर मैं यहां बात करूं हम देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा। सिमिलरली यहां पर अगर मैं कॉस थीटा लिख दूं तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस का थीटा। ऐसा क्यों होता है मैं आपको रीजन से दिखाऊंगा अभी, आप लोग घबराइए मत, मैं इसका रीजन भी आपको दिखा देता हूं। तो पहले पहला हमारे पास यही समझ में आ गया, सिर्फ तीन में काम बन जाएगा। दूसरा अगर समझें हम तो दूसरा हमारे पास होता है कि अगर मैं लिखूं यहां पर कोसेक थीटा तो यहां पर हो जाएगा सेक
90 माइनस का थीटा। अगर मैं यहां पर सेक थीटा लिखूं तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारे पास जो बच रहा है, अगर मैं यहां देखूं कि हमारे पास क्या टेन थीटा, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। तो हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस का थीटा। ऐसा क्यों होता है अब हम आपको समझाते हैं। तो इसको समझाने के पहले हम एक टेबल लिख लेते हैं, उस टेबल को समझ लेते हैं, फिर आपको मैं इस चीज को समझाता हूँ, रिवर्स में आऊंगा और मैं ये चीजें समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, एक सर्कल बना के आपके लिए। तो पहले हम टेबल को समझेंगे। टेबल को समझने के लिए हम लोग दो तरीके से चलेंगे, ठीक है, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो पहले हम तीन का समझेंगे, तीन के बाद फिर अगेन तीन का समझेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं थीटा, यहां पर मैं लिख देता हूं कि साइन, यहां पर मैं लिख देता हूं बीच में कॉस, और यहां पर मैं लिख देता हूं टेन। तो पहले इन तीनों को समझ लेंगे, फिर इनके बाद जो रिवर्स में थ्री है उनको भी समझ लेते हैं। टेन थीटा को हम एक चीज और यहां लिख के चलते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है, यहां पर भी थीटा इंक्लूड कर देते हैं। हम लोग जो सबसे पहले वैल्यू लेंगे, तो सबसे पहले वैल्यू हमारे पास जीरो, सॉरी जीरो तो लग ही नहीं रहा, जीरो। तो जीरो क्या होता है, साइन जीरो होता है जीरो, ठीक है, आप लोग समझ के चलिएगा। फिर हम बात करें किसकी, 30 डिग्री की, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर आएंगे हम लोग कितना, 45 डिग्री में, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई रूट 2। फिर हम आएंगे 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट का 3 डिवाइडेड बाई 2। फिर आएंगे हम लोग किसमें, 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो फिर से देख लेते हैं, जीरो की वैल्यू जीरो, 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाई 2, 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, 90 की वैल्यू 1। इसके रिवर्स में लिखना स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर हमारे पास जीरो की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3 बाई 2, 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट 2, 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाई 2, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर हो जाएगा जीरो। हमने इसको रिवर्स में लिख दिया। तो अगर यहां देखो आप, तो जीरो डिवाइडेड बाई वन करोगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, जीरो डिवाइडेड बाई वन, यानी कि आपको मिलेगा जीरो। तो आपने देखा टेन की वैल्यू जीरो की जीरो ही आई, ठीक है। फिर आप देखते हो 30 डिग्री, तो 1 बाई 2 और रूट, तो यहां पर आ जाएगा आपको 1 डिवाइडेड बाई रूट 3, आपको ये बहुत जरूरी याद रखना है। 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, आप यहां से निकाल सकते हो। 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी रूट 3, और यहां पर 1 डिवाइडेड बाई आप 0 करोगे तो ये होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 0। 0 को आप कुछ भी मल्टीप्लाइड करा लो, कभी भी इन्फिनिटी, मतलब कभी भी 1 नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, इन्फिनिटी लिख देते हैं। तो ये तीनों का आपने देख लिया, तो हम अब तीन जो बचे हुए रिमेनिंग उनका भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं यहां लिखता हूं, यहां पर हुआ हमारे पास थीटा, यहां पर मैं लिख देता हूं कोसेक थीटा, यहां पर मैं लिख देता हूं सेक थीटा, और यहां पर मैं लिख देता हूं कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर लिखना स्टार्ट करता हूं, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो मैं पहली वैल्यू क्या लूंगा, जीरो, दूसरी वैल्यू कितना 30 डिग्री, तीसरी वैल्यू कितना 45, फिर मैं लूंगा कितना 60 डिग्री, फिर मैं लूंगा 90 डिग्री। तो अगर आप लोग देखते हैं कि जो जीरो की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास कोसेक में, 1 बाई साइन लिख सकते हो। देखो आप लोग यहां से इसको ध्यान से समझना कि हम लोग कोसेक को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कितना, साइन थीटा, ठीक है। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। तो अगर आपको याद हो कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो 1 बाई जीरो, अगर आप 1 बाई जीरो करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा आपके पास में, 1 बाई जीरो करने पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसकी वैल्यू 30 डिग्री की बात करोगे तो 1 बाई 2 यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 45 की वैल्यू की बात करोगे तो यहाँ पर आपका रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पर बात करोगे तो रूट 3 बाई 2 होता है, तो यहाँ पर रिवर्स में लिख दोगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा,
वन आ जाएगा। अब आप सिक का देखो तो सिक का जीरो, जीरो की वैल्यू क्या होती है वहां पर, कॉस में जीरो की वैल्यू वन होती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा। फिर आप बात करोगे 30 डिग्री, 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है √3/2, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर अगर आप 40 डिग्री की बात करोगे तो यहाँ पर भी 40 डिग्री की वैल्यू आपकी सेम आएगी √2। लेकिन जैसे ही आप बात करो किस चीज की 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। और अगर आप बात करोगे sec 0 की वैल्यू, तो आप sec 0 देखते हो तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, सॉरी cos 90 डिग्री की, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत बोला। अगर आप sec 90 डिग्री की वैल्यू चेक करते हो तो cos 90 में आपको जाना पड़ेगा, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 1/0 करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, कॉट में देखते हैं। अगर आप टेन की बात करो तो टेन आप देखते हो कि जीरो में क्या मिलता है 1/0, तो अगर आप 1/0 करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा इन्फिनिटी मिलेगा। अगर आप बात करोगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में आपको वैल्यू मिलेगी √3। अगर आप बात करोगे 45, तो 45 में वैल्यू मिलेगी 1। आप 60 डिग्री की बात करोगे तो ये मिलेगा आपको 1/√3। अगर आप बात करोगे 90 डिग्री में, तो आप 90 डिग्री में देखते हो कि यहाँ पर वैल्यू क्या इन्फिनिटी यानी कि 1/0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0/1 हो जाएगा रिवर्स में लिखने पर, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0 मिलेगी। तो आपको इस तरीके से समझना है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया गया होगा। अब क्यों 90 - थीटा क्यों लिखते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है, किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसको दो तरीके समझते हैं, ठीक है। तो पहले आपको हम दो एग्जाम्पल समझाते हैं, शायद आपको यही समझ में आ जाए, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, साइन 30 डिग्री के वैल्यू और आपको कॉस 60 डिग्री के वैल्यू, दोनों की वैल्यू आपको इक्वल मिलेगी, कैसे और चेक करते हैं। हमने देखा कि साइन जो हमारे पास 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और कॉस जो 60 डिग्री की वैल्यू होती है ये भी होती है 1/2। क्यों ऐसा, हमने अभी जस्ट सीखा था कि जो हमारे पास साइन थीटा होता है वो होता है कॉस 90 - थीटा। अगर आप देखते हो कि यहाँ पर साइन कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कॉस 90 - 30 डिग्री लिख सकते हो कि थीटा की वैल्यू वही है, तो आप देखते हो कॉस में वो वैल्यू किसकी होनी चाहिए, सॉरी कॉस में वो वैल्यू होनी चाहिए 60 डिग्री। तो आपने देखा कि जो साइन 30 डिग्री है वो साइन किसके बराबर है, कॉस के 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको और समझाता हूँ क्यों ऐसा होता है, तो मैं आपके लिए एक सर्कल बना के समझाता हूँ, ये थोड़ा आपसे एडवांस लेवल का रहेगा बट फिर भी आप समझ सकते हो। तो एक थोड़ा सा बड़ा सा सर्कल बना देते हैं, ठीक है, चलो इसके पार्ट भी डिवाइड कर देते हैं, एक पार्ट यहां से, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या बना रहे हैं, ठीक है, आप लोग घबराओ मत बेटा, अभी जस्ट बन ही गया है, ठीक है, दिख रहा होगा एक सर्कल है बहुत सा खूबसूरत सा, ठीक है। आओ आप एक चीज समझते हैं, पहले थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इससे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाए। आपने देखा यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपके लिए मॉडिफिकेशन करने चलता हूँ, आप लोग बार बार वीडियो को देखिएगा जिससे समझ में आ जाए। आप देखते हो ये अगर एक्स एक्सिस है
तो ये आपके पास में क्या है बेटा, वाई एक्सिस है। तो अगर एंगल यहां बन रहा है तो इस बीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस बीसी की वैल्यू में से कॉस थीटा। तो आपके लिए मैं एक अलग सा ट्रेंगल बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ये बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सर्कल को समझने से पहले एक वीडियो में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आने वाले टाइम पे एडवांस में अगर आप कोई बच्चा मैथ लेता है या साइंस लेता है तो उसको ये चीजें प्रॉब्लम नहीं जाएंगी समझने में, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख देता हूँ, इसको भी थोड़ा बढ़ा के लिख देता हूँ। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, यहां पर एंगल है हमारे पास 90 डिग्री और यहां पर एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। आप लोग बेसिक समझ के चलिएगा। तो ये किस चीज का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है हमारे पास बेस का, हमें पता ही है। ये किस चीज का काम कर रहा है हमारे पास, परपेंडिकुलर का। ये किस चीज का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है हमारे पास हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा देखो, अगर इसको मैं मान लेता हूं कि हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, जरा ध्यान से देखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस यानी कि ए सी डिवाइडेड बाई कितना बेटा हमारे पास बी सी यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो हम देखते हैं कि जो ए सी की वैल्यू आएगी वो क्या लिखा जाएगा, बी सी कॉस थीटा लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। तो अगर मैं इसको x मान, तो यहां पर देखते हो कि इसको x की जगह, ac की जगह हम लिख सकते हैं क्या चीज कि x है, तो आप x कोऑर्डिनेट देखते हो हमेशा क्या लिखा है, bc cos थीटा। तो किस रिस्पेक्ट में चल रहा है, cos के रिस्पेक्ट में चल रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर लिखूं sin थीटा, तो sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sin थीटा को आप लिख सकते हो कि आप ab डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो क्या चीज bc। तो आप देखते हो कि हमारे पास जो AB की वैल्यू आएगी, AB इक्वल टू BC साइन थीटा। तो अगर आप इसको डिनोट करो कि परपेंडिकुलर, इसको Y से डिनोट करो क्योंकि ज्यादा देर तक है, तो आप लिख सकते हो BC साइन थीटा। तो आप देखते हो कि BC तो यहां पर भी कॉमन है, BC यहां पर भी कॉमन है, सिर्फ हमारे पास साइन थीटा। तो Y वाले एक्सिस में साइन चल रहा है और X वाले एक्सिस में कॉस चल रहा है। तो हमने देखा बच्चों कि हमारे पास जो Y एक्सिस है वो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में चल रहा है और x एक्सिस है cos थीटा के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसके हिसाब से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, ठीक है, और इस लाइन को भी मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं आपके लिए, चलो। ये देखो, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला क्या है y एक्सिस है, ठीक है। हम देखते हैं कि यहां पर क्या होगा, ये वाला हमारे पास यहाँ पर आपको पता है कि ओरिजिन का जो होता है, ओरिजिन हमेशा जीरो जीरो होता है कि नहीं होता, जीरो जीरो। तो ओरिजिन यहाँ पर, अब मैं आपको लिख नहीं सकता यहाँ पर कहाँ दिखा दूं, तो एक लाइन आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं पर ओरिजिन, जो ओरिजिन होता है ओरिजिन हमेशा जीरो और जीरो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो अगर आप यहां देखते हो तो x एक्सिस आपकी जीरो है और y एक्सिस भी आपकी जीरो है। तो मैं यहां पर एक चीज और लिख देता हूं, यहां पर कहीं x इक्वल टू मैं लिख देता हूं कि कितना cos थीटा और y इक्वल टू मैं लिख देता हूं sin थीटा। यानी कि जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है वो cos थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और y कोऑर्डिनेट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, sin थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना, थोड़ा आराम से देखना आप लोग, ठीक है, तो बहुत आगे काम आएगा। तो यहां पर देखते हो, यहां पर कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पर जीरो जीरो। तो अगर मुझे बताओ, अगर आप cos 0 लिखते हो तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है कि नहीं होती, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहां पर आपके लिए हमेशा लिखा जाएगा कितना, यहां पर लिखा जाएगा आपके पास में कितना cos 0 1 और यहां पर लिखा जाएगा 0, ठीक है। फिर देखो, यहां पर आप यहां पर आए तो आपके पास कितना एंगल चला, 30 डिग्री चला। तो आप 30 डिग्री देखो, तो हमें इसको ऐसा x और y कोऑर्डिनेट हमेशा लिखा होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर लिखा होगा पहले cos थीटा लिखा होगा, फिर लिखा होगा sin थीटा लिखा होगा, कोऑर्डिनेट का मतलब यही ना, ठीक है।
तो पहले अगर बात करूं कि 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी बेटा, रूट का 3/2। और ये मुझे बताओ साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1/2। तो लिखा होगा इस तरीके से कि नहीं लिखा होगा। अगर आप बात करोगे इस चीज की, तो यहां पर कितना लिखा होगा, यहां से यहां तक पहुंचोगे तो ये आपका आएगा कितना, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में जब देखते हो, तो 45 डिग्री में कितना आपके पास में, 1/√2, और आपके पास में कितना, 1/√2 दोनों, ठीक है। फिर अगर आप बात करते हो किस चीज की, अगर बात करते हो यहां से लेके आप यहां तक पहुंचते हो, ये यहां से लेके यहां तक, तो ये आपके पास में कितना, 60 डिग्री। और 60 डिग्री में पता है कि आपको 60 डिग्री में cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री होता है 1/2, और sin कितना, sin 60 डिग्री होता है आपके पास में कितना, √3/2। फिर आ जाते हो कहां पर, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो कि यहां से लेके यहां तक आपके पास 90 डिग्री। तो अगर आप 90 डिग्री पे आ जाते हो, तो आपके पास 90 डिग्री में कितना देखते हो कि 90 डिग्री में वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 90 डिग्री में आप देखते हो कि जो हमारे पास कॉस है वो 0 हो जाता है, और साइन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अब देखो हमेशा ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस इधर के साइड में पॉजिटिव होता है, लेकिन इधर के साइड में क्या होता है, निगेटिव होता है, होता है कि नहीं होता। तो इस वाली एक्सिस में देखो कि जब आप आ जाओगे, तो अगर आपके पास में एक्स निगेटिव आ गया, तो अब आपको वैल्यू यही वाली वैल्यू को यहां लिखना है। तो अगर आप 90 डिग्री में कितना ऐड कर दोगे, आप अगर 30 डिग्री ऐड कर दोगे तो 120 डिग्री की वैल्यू, तो आप यहीं से देखना है, तो यहां से लेके यहां तक वैल्यू कितना, 120 डिग्री। और 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा रूट का 3/2, ठीक है। फिर अगर आप बात करोगे यहां से लेके यहां तक, तो ये आपके पास जैसे आप प्लस कर दोगे, कितना प्लस कर दोगे 90 डिग्री में से, तो आपके पास 135 डिग्री की वैल्यू। तो आप देखते हो कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितना, 135 डिग्री। और 135 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में कितना, माइनस का 1/√, और यहां पर सॉरी, ये हो जाएगा कितना आपके पास में, 1/√2, ठीक है। फिर जब आओगे तो आप कितना प्लस कर दोगे, आप 60 डिग्री प्लस कर दोगे, तो 90 में 60 प्लस करोगे, तो यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू होगी आपकी, मैं आपको बना के चलता हूं यहां पर 150 डिग्री। तो 150 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, आपको ये वाली वैल्यू लिखनी है, तो यहां पर हो जाएगा कितना, माइनस का √3/2, और यहां पर कितना, 1/2, ठीक है। और आ जाओगे 180 डिग्री, यहां पर कितना बेटा कंप्लीट है, तो ये 180 डिग्री। 180 डिग्री की बात करोगे, तो 180 डिग्री पे यहां पर हो जाएगा आपके पास में -1, और ये हो जाएगा आपके पास में 0। तो आपको बस इतना देखना है, इसके नीचे नहीं आना है। तो आप ये समझ गए होगे अब तो खुद ही कि हमारे पास 90 माइनस थीटा क्यों ऐसा हो जाता है। तो आप कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हो, आप मिला सकते हो कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप वैल्यू कोई सी वैल्यू मिला सकते हो, आप चेक कर लेना कि यहां पर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप ये 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट आप यहां से समझ सकते हो, आपको वैल्यू रखना है और चेक करना है इसके हिसाब से। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलेंगे किसमें, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में। आओ आइडेंटिटी समझने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हम यहां से अब आपको आइडेंटिटीज लिख के चलेंगे। सबसे पहले एक 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास काम करेगा बेस का, ये काम करेगा इसके जो सामने हाइपोटेनियस का, ये काम करेगा हमारे पास किस चीज का, परपेंडिकुलर का, ठीक है। शॉर्टकट में इसको एच, इसको बी ले लेते हैं, स्मॉल में ले लेते हैं, इसको पी ले लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो अगर मैं इसमें देखू इन ट्रिंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर, यानी कि अगर मैं ध्यान से लिखूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास क्या, बेस का स्क्वायर। तो बेस को हमने शॉर्टकट में लिखा है, मतलब स्मॉल में लिखा है, तो मैं स्मॉल में लिख देता हूँ जिससे किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना जाए। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन वन, ठीक है, बस सब खेल इसी का है, इस इक्वेशन वन से ही मैं सबको सॉल्व करूंगा, इसलिए इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इन इक्वेशन वन बी डिवाइडेड बोथ साइड पी स्क्वायर, तो हम लोग दोनों साइड पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई p का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई p का स्क्वायर। क्या देखो p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया, तो हम लिखेंगे एच डिवाइडेड बाई पी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा वन का स्क्वायर, लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हैं पी डिवाइडेड बाई बी का होल स्क्वायर। अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारा, देखो बच्चों को यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एच डिवाइडेड बाई पी है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं h डिवाइडेड बाई p, तो आप ध्यान से देखो कि h डिवाइडेड बाई p यानी कि हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई कितना, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर ये होता है हमारा क्या चीज, कोसेक थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है तो 1 को आप 1 ही लिखो, p डिवाइडेड बाई b ये हो जाएगा कितना, कॉट थीटा, का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक आइडेंटिटी से हमारे पास क्या बनी, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इससे दो आइडेंटिटीज और बना लेते हैं, देखो ध्यान समझते रहना। तो हम अगर कोसेक स्क्वायर थीटा अगर माइनस 1 को इधर ला ले, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो एक आइडेंटिटीज ये भी हो सकती है। तो हमने देखा बेटा कि हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। एक दूसरा हमारे पास भी बन गया, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दे, देखो इसी से हमारे पास एक और आइडेंटिटीज निकल आएगी। बट तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन बेसिक क्या है, बेसिक ये है, तो आपको इसको याद रखना बहुत जरूरी, इनमें से कोई भी एक याद रखो, कोई जरूरी नहीं है ऐसा, कोई सा भी एक याद रखो, ठीक है, तो आपको कोई सा भी एक याद रखना है, ठीक है। चलो और दूसरे की तरफ फोकस करेंगे हम, दूसरी आइडेंटिटीज निकालेंगे। तो पहली आइडेंटिटीज हमने निकाल दी, ठीक है, तो पहली आइडेंटिटीज हो गई हमारे पास, और दूसरे की तरफ फोकस करेंगे हम लोग।
अब क्या करेंगे, हमने वहां पर क्या किया था, दूसरे आइडेंटिटी के लिए इक्वेशन वन में हमने परपेंडिकुलर से डिवाइड किया था, तो अगेन इन इक्वेशन वन ठीक है वी डिवाइडेड बोथ साइड एच स्क्वायर। हम क्या करते थे, हाइपोटेनियस के स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जब हम हाइपोटेनियस के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो देखो हमने लिखा था कि एच स्क्वायर इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस कितना बेस का स्क्वायर। हमने क्या किया, अगेन मैं थोड़ा अपने शॉर्टकट में चीजें करता हूँ, एच स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हमारा एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, तो हम लिखेंगे कि वन, इसका वन का भी स्क्वायर लिख सकते हो अगर इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यहाँ पर p डिवाइडेड बाई h इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा b बाई h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि देखो जितना आपको अच्छे से पता हो जाएगा पहचान, कैसे बताओ, b p डिवाइडेड बाई h को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, फिर बताओ b बाई h किसकी पहचान होती है, ये होती है कॉस थीटा की पहचान, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। तो यहां से आइडेंटिटी निकल के आती है, वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, आपको इस तरीके से ये हमारे पास एक आइडेंटिटीज मिल गई। इसको हम दो तरीके से और कैसा लिख सकते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा आईएमपी है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसको मॉडिफाइड कैसे करते हैं ये भी देखो, अगर मैं मान लो साइन को इधर ही रहे तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटीज, इसी को मॉडिफाइड करके ये भी बन सकती है। इसी को और थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वन माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं साइन को एक ही साइड में रहने दिया तो इन तो यहां से तीन बन गई। तो हमें ये वाली आइडेंटिटीज याद रखना है, बाकी दो को मॉडिफाइड करके हम बना लेंगे, आप कोई सा भी एक याद रखो। चलो और तीसरे के लिए ध्यान देखते हैं, तो थर्ड वाले के लिए देखो हमने किस किस से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन वन को हमने डिवाइड कर दिया किससे, परपेंडिकुलर से, हमने डिवाइड कर दिया हाइपोटेनियस से, तो हमारे पास बचा क्या, बेस बचा, तो इन इक्वेशन वन ठीक है वी डिवाइडेड बोथ साइड, क्या चीज डिवाइड कर रहे हैं, हम कर देते हैं बी स्क्वायर से, तो हम लिखेंगे यहां पर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, अरे सॉरी बी स्क्वायर, यहां पर क्या करेंगे बी स्क्वायर से, यहां पर भी क्या करेंगे बी स्क्वायर से, यहां पर भी क्या करेंगे बी स्क्वायर से। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये बी से बी कट गया, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारी बनेगी वो बनेगी, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एच डिवाइडेड बाई बी इसका होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पी वाई बी इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हैं वन। हम देखो आइडेंटिटीज अगर पहचान करें तो एच बाई बी हमारे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, आपके लिए बेसिक सिखाया है तो बेसिक ही करेंगे, सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है हमारे पास टेन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस का वन, तो इसको हम लिख सकते हैं थोड़ा मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा होगा वो होगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का वन, ठीक है, एक आइडेंटिटी ये बनी। इसको आप मॉडिफाइड करके कैसे लिखना है वो भी सीख लो आप, ठीक है, तो मॉडिफाइड करके जो लिख सकते हो वो लिख सकते हो आप इस तरीके से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, और आप लिख सकते हो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो आप लोग देखिए इसको, ठीक है, और कोई डाउट आए तो फिर मुझसे संपर्क करिए।